हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पबजी का छोटा सा अपने द्वारा खेला हुआ एक गेम प्ले यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस गेम के अंदर आपको 20 से 25 में किल करके भी दिखाऊंगा और किस तरह से इजीली एक एमुलेटर यूज़ करते हुए पबजी के अंदर मोबाइल वाले प्लेयरों को आप किल कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि एमुलेटर के लिए एक एमुलेटर के सामने अपोनेंट मिलते हैं, मतलब एक एमुलेटर से अगर आप खेल रहे हो तो आप लोगों के सामने एमुलेटर वाले ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग एक एमुलेटर से खेल रहे हो तो आप लोगों के साथ मोबाइल वाले प्लेयर भी खेलते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर मैं जब गेम खेलता हूँ तो मैं टेंशन बड़ी एमुलेटर यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने मोबाइल वाले फ्रेंड को भी अपन रिक्वेस्ट डाल के बुलाता हूँ, तो वो मोबाइल से खेलते हैं और मैं एमुलेटर से खेलता हूँ। दोस्तों, अगर पूरी गेम में सपोज कीजिए एक स्क्वाड में अगर एक एमुलेटर वाला बंदा है तो तीन मोबाइल वाले बंदे भी उसके साथ खेलते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि एक एमुलेटर के लिए एक एमुलेटर का ही सर्वर है, ऐसा कुछ नहीं है। एमुलेटर के साथ जो भी एमुलेटर से बंदा खेल रहा है उसके साथ मोबाइल वाले बंदे भी खेलते हैं, और मैं यहाँ पे एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ और जो भी मोबाइल वाले बंदे होंगे उनको कितनी इजीली मैं किल करूँगा वो वही सब चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक किल कर दिया है और अभी मैं यहाँ से जल्दी से अपने जो भी हैं ये कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, थोड़ी सी मैंने लूट भी ले ली और मेरे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 2 किल हो चुके हैं। तो दोस्तों, 20 से 25 किल आप लोग देखते देखते ही यहाँ पे हो जाने वाले और पूरी पचंकी यहाँ पे खाली होने वाली है, और आप बस सिर्फ थोड़ा सा गेम पे एंजॉय लीजिए और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को वैसे बताता जा ही रहा हूँ। तो दोस्तों, जो प्लेयर एमुलेटर से खेलता है अपने आप को प्रो बताता है वो सबसे बड़ा नूब है, क्योंकि एमुलेटर वाले को काफ़ी बड़े बंदे दिखते हैं और बंदों के जो भी प्लेयर होते हैं उनके सर मतलब तरबूजे जितने बड़े दिखते हैं और आराम से बंदा उस पर हेड शॉट ले सकता है। लेकिन अगर आप मोबाइल से खेलते हो तो यार आप लोगों को काफ़ी चीटी जैसे प्लेयर दिखते हैं और बस दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं दिखता, और उसमें भी हम लोगों का इंटरनेट स्लो होता है या फिर कई बार डिवाइस लैग करता है दोस्तों, और हम बोलते हैं कि भाई नूब प्लेयर। तो दोस्तों, कोई प्लेयर नूब नहीं होता, हर एक प्लेयर गेम खेलता है वो गेम जीतने के लिए खेलता है, हारने के लिए कोई नहीं खेलता। यार काफ़ी बार बंदों की मजबूरी होती है, उनके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता या फिर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होने के बावजूद एक अच्छा डिवाइस नहीं होता, तो इन सब सारी चीज़ों की मजबूरी होती है दोस्तों, जिसकी वजह से मतलब आप ज़्यादा किल नहीं ले पाते और इस गेम को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों के पास अधिकतर दोस्तों के पास छोटे डिवाइस है, छोटे डिवाइस 2 GB की रैम है या 3 GB की रैम है, या अगर आप लोगों के पास रैम ज़्यादा है तो आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है दोस्तों जिसकी वजह से हम अच्छे से नहीं खेल पाते। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और मैं एमुलेटर से खेल रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं मोबाइल से जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको कितना ईजिली किल कर पा रहा हूँ। दोस्तों, अब तक आप देखो कि यहाँ पे मेरे 4 किल हो चुके हैं और मैं एक और ऊपर यहाँ पे शायद बंदा है, क्योंकि मेरे को उसके फुट प्रिंट्स की आवाज आ रही थी, शायद यहाँ पे नहीं है। तो मैं इसी पूरे गेम प्ले में मैं आप लोगों को, हो सकता है कि भाई अभी ये मोबाइल से खेल रहे हैं कि एमुलेटर से खेल रहे हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इन सबको मैं इजीली किल कर पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब आप एमुलेटर से खेलते हो और एक मोबाइल से खेलते हो तो आप दोनों के बीच में कम से कम 6 से 7 सेकंड का डिस्टेंट होता है। जो एमुलेटर से खेल रहा होता है उस बंदे को रिसेंटली जो भी कुछ हो रहा है उसको पता चल जाता है, लेकिन मोबाइल से खेल रहा है उस बंदे को कम से कम 6 सेकंड के बाद पता चलता है कि भाई कोई मेरे पे एम करके गोलियाँ मार रहा है। और जब तक उस बंदे ने आप पे 3 से 4 गोलियां ऑलरेडी वो चला चुका होता है, आप कम से कम 6 सेकंड 5 सेकंड इतना तो डिस्टेंट होता है। दोस्तों, मैं जब भी एमुलेटर से खेलता हूं तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी प्लेयर होते हैं वो मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनको जब मेरे पे जब वो कुछ एक्शन लेते हैं तब तक तो मैं उनको देखिए मैं किल कर चुका होता हूँ। तो अब यही सब फ़र्क है दोस्तों, एक एमुलेटर से गेम खेलने में और एक मोबाइल से गेम खेलने में। तो मोबाइल से यार आप लोगों को बहुत बार गेम लैग भी हो जाता है, तो एमुलेटर में गेम लैग नहीं होता है, क्योंकि एमुलेटर से जब आप गेम खेलते हो तो आपके एक पीसी के अंदर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होता है, अच्छा ग्राफिक कार्ड एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड होगा और उसके अंदर पबजी चल रहा है, काफ़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि और हमारे मोबाइल के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है और कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह भी चल रनिंग होते हैं जिसकी वजह से हमारा मोबाइल लैग होता है और हम पबजी को अच्छी तरह से नहीं खेल पाते। तो दोस्तों, यही सारे रीज़न होते हैं।
इसलिए कोई भी प्लेयर नूब नहीं है और कोई भी प्लेयर प्रो नहीं है। और एमुलेटर से जो भी प्लेयर खेलते हैं वो बिल्कुल यार बेशक नूब हैं, क्योंकि वो मोबाइल वाले मतलब अपनी बराबरी का मौका वाले प्लेयरों को मारना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप मोबाइल से खेलो और मैं एमुलेटर से खेल रहा हूँ तो मैं नूब हूँ। क्योंकि रीज़न यही है कि दोस्तों मोबाइल वाले प्लेयरों को मतलब लैग होता है या फिर अच्छे से मतलब ये काफ़ी टाइमिंग का भी डिस्टेंट होता है, 6-7 सेकेंड। और पबजी के अंदर आप लोगों को जैसे पता होगा कि एक एक सेकेंड कितनी इंपॉर्टेंट है, तो 1 सेकेंड में क्या कुछ हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे हो चुके 9 किल और बस, और आप गेम प्ले जो है आपके सामने, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वही एमुलेटर। तो देख सकते हो दोस्तों मैं कितनी इजीली मोबाइल वाले प्लेयरों को यहाँ पे मारते जा रहा हूँ, और मेरे शायद 11 किल हो चुके हैं। और चलिए अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, और इस गेम के अंदर जो भी मतलब काम की चीज़ें वही सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और जो बीच में जो मतलब जो फाइट की सीन है वही मैं दिखा रहा हूँ, और जो बीच की सीन है वो मैं काट रहा हूँ, और थोड़ा सा मतलब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे शायद कहीं से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, फायरिंग किस साइड हो रही है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ कोई बंदा कुछ मूवमेंट करेगा तो मेरे को इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे को काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर दिख रहे हैं, मतलब मोबाइल की तुलना में प्लेयर होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी दिख रही है यहाँ पे। तो हो सकता है इस बिल्डिंगों में हो सुहागा प्लेयर, और मेरे को अभी तक दिखा नहीं है, और जैसे दिखता है मैं उसको किल कर देता हूँ। आप देखेंगे शायद इस साइड से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, या फिर वहाँ ये देखिए दोस्तों मेरे को इतनी दूर से दिख गया वो प्लेयर। तो आप अगर मोबाइल से खेलोगे तो आप लोगों को वो प्लेयर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और देखना अभी एक और यहाँ पे आसपास कहीं से मेरे को फुटप्रिंट की आवाज़ सुनाई दे रही है, देखते हो मैं उसको भी यहाँ पे किल कर पाता हूँ नहीं, और वो मेरे को शायद किल कर दे कुछ पता नहीं। तो अगर मोबाइल से खेल रहा होगा तो यार बेसिकली मैं उसी को मार दूंगा, 100% मार दूंगा, और अगर एमुलेटर से खेल रहा होगा तो वही हो सकता है वो भी मेरे को किल कर दे, तो कुछ कह नहीं सकते। और अगर आप एमुलेटर से खेलते हो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी दूर से बंदा स्पॉट हो जाता है कि यार, और यहाँ पे मैं चलो ड्रॉप पे आ गया हूँ, और मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप लूट लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, और यहाँ से चलिए मेरे को यहाँ से कुछ जो सामान चाहिए था मेरे को यहाँ पे मिल गया, और अब मैं फिर से गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से गाड़ी उठाई और मैं यहाँ से चल पड़ा, और शायद यहाँ शायद मेरे को इस साइड जाना है, तो यहाँ पे भी शायद कोई बंदा नहीं है, और सामने एक गाड़ी खड़ी है, और देखते हैं इस गाड़ी में कोई है कि नहीं है। ओ, वो गाड़ी चली गई, हाँ उसमें बंदे हैं। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो आप एमुलेटर से खेलते हो यार आप लोगों को काफ़ी दूर से बंदे स्पॉट हो जाते हैं और पता चल जाता है, और आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते। दोस्तों मेरे को अभी फुटप्रिंट आ रहे हैं, इसके ऊपर शायद कोई बंदा है, और मैं यहाँ से ग्रेनेड फेंक देता हूँ उस पर सबसे पहले। तो ये लीजिए मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, और अब मेरे को उस पर रश कर देता हूँ, और लगता है मेरा हो सकता है ग्रेनेड ही सही उसका काम तमाम मुझे। और ये देख सकते हो दोस्तों मैंने इसको किल कर दिया। तो दोस्तों एमुलेटर से खेलते हो तो ये फ़ायदा है, तो हो सकता है ये अभी ये मोबाइल वाला बंदा हो, और मैंने इसको इजीली किल कर दिया। तो दोस्तों एमुलेटर से गेम खेलना काफ़ी इजी है, जो नूब से नूब प्लेयर होगा वो भी अच्छे खासे किल कर लेगा। और रीज़न क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, अगर मैं स्क्वाड जैसे मैं सोलो वर्जन स्क्वाड खेल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो यार स्क्वाड की तो बात दूर है, अगर मैं सोलो खेलता हूँ तो 3-4 किल करके मोबाइल से बालकनी में आ जाता हूँ, और अब मैं एमुलेटर के अंदर इस गेम को खेल रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे 12 किल हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कम से कम 20 से 25 22 जितने ज़्यादा से ज़्यादा किल होंगे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों मेरे को इजीली, और दूसरा यहाँ पे रिकॉइल रिकॉइल 0% है यहाँ पे एमुलेटर में, जो भी प्लेयर खेलते हैं गेम उन लोगों का रिकॉइल 0% है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पूरी मैंने स्क्वाड को मार रहा हूँ, ठीक है, और स्क्वाड को मारना मतलब जैसे बर्गर खाना, तो अगर आप मोबाइल से खेल रहे हो तो यार नॉट ईजी। और आप लोग देखिए देखिए मैंने पूरी यहाँ पे आपके देखते देखते पूरी स्क्वाड को फिनिश कर दिया। तो दोस्तों एमुलेटर का यही एक एडवांटेज है, और मोबाइल से खेलने वालों का डिसएडवांटेज है। और ये देखिए तो इसी के साथ ही अपने यहाँ पे 17 किल हो चुके हैं, और ये देख सकते हो, और मैंने पूरी यहाँ पे स्कोर को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह अगर और कोई स्कोर आएगी तो वो भी फिनिश, तो चलिए देखते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल काफ़ी शायद लगता है मेरे को इसमें कोई एमुलेटर वाले प्लेयर आए ही नहीं है, सब मोबाइल वाले ही खेल रहे हैं, और हो सकता है मैं ही एक एमुलेटर वाला हूँ, तो अभी मैंने 17 किल कर लिया अब तक। तो चलिए देखते हैं और मैं कितने मार पाता हूँ।
यहाँ पे शायद एक आगे एक साइड एक बंदा है और मेरे को ये दूर से दिख रहा है, और मैं इसको यहाँ से नहीं किल करूँगा, और मेरे को शायद उस गाड़ी की उस साइड चला जाना चाहिए पहले। यहाँ पे देखते हैं इसके रेट के अंदर क्या है। दोस्तों आप लोग स्पॉट कर पा रहे हो तो सामने की साइड एक बंदा है, और यहाँ पे शायद लगता है फाइट हुई है। और ये देखिए मेरे को यहाँ पे गिली सूट भी मिल गया। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे मतलब सांप वाप कुछ नहीं बनने वाला, पॉन नहीं होने वाला यहाँ पे। और यहाँ पे मैं थोड़े से मतलब ये कुछ सामान जो मेरे को चाहिए वो रखूँगा, और जो नहीं चाहिए वो निकाल दूंगा, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू यहाँ पे फाइट लूँगा, ठीक है। और ये जस्ट आप लोगों को ये दिखाने के लिए गेम प्ले मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा था कि भाई एमुलेटर से मतलब आप कितना इजीली किल कर सकते हो बंदों का जो भी मोबाइल से खेल रहे हैं। और दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँगा कि आप लोग इस गेम प्ले को जरूर एंजॉय कर पा रहे हो। तो दोस्तों बिल्कुल इस चीज़ की ये चीज़ 100% है कि जो एमुलेटर से प्लेयर खेलते हैं वो मोबाइल वाले बंदों को इजीली किल कर देते हैं। दोनों का सर्वर एक ही है, कोई अलग अलग सर्वर नहीं है। एमुलेटर वाले सारे प्लेयर नूब होते हैं, ठीक है। इससे तो बढ़िया मोबाइल से खेलो, वो सारे सारे के सारे बंदे प्रो होते हैं। और हाँ मैं भी न्यूब हूँ क्योंकि मैं भी ये एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी मेरे भाई मोबाइल से खेल रहे हैं। मैं देखिए ये देखिए अब मेरे को उत्तर दे इतनी दूर से, देखिए ये बंदा स्पॉट हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। तो अब आप ये बताइए तो एमुलेटर वाले कहाँ से प्रो प्लेयर होंगे, वो सारे न्यूब होते हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा दिखता है। अब जब एमुलेटर से गेम खेलोगे तो इस चीज़ को आप मतलब इस चीज़ का रियलाइज आप खुद कर पाओगे। और जो मैंने आप लोगों को सेकंडों का बताया ना कि मोबाइल में कम से कम 5 से 6 सेकंड का फ़र्क पड़ जाता है, एमुलेटर वाले का जो भी चीज़ होती है वो पहले पता चलती है और मोबाइल वाले को बाद में। तो ये सारी चीज़ें जब आप इस गेम को एमुलेटर से खेलोगे तो आप लोगों को खुद रियलाइज़ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे किल तो इसी तरह से है। तो दोस्तों देखते हैं और मैं कितने मार सकता हूँ इन बंदों को जो भी हैं। यहाँ पे मैं गाड़ी लेके चलते हैं यहाँ से। अगर कोई मतलब एमुलेटर वाला प्लेयर होगा तो वो मेरे को इजीली किल कर देगा, मेरे को 100% पता है। और जो भाई मोबाइल वाले प्लेयर तो अब तक मेरे को मार नहीं पाए। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ हो सकता है कोई प्लेयर हो तो, और जीतने की भाई पूरी पूरी कोशिश भी होगी कि मैं आप लोगों को जीत के भी दिखाऊं। तो ये देखिए दोस्तों कितना इजीली किल तो देख सकते हो। बस इसी तरह से दोस्तों ये शायद फिर वही बात मोबाइल वाला प्लेयर होगा। और यहाँ पे एक इसका कोई पीछे एक और जोड़ीदार था, ये रहा ये देखिए, तो सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे आप किल देख सकते हो, और बस यही सब है। तो चल थोड़ी बहुत मैंने ड्रिंक व्रिंक पी ली, और यहाँ से मैं गाड़ी उठाता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे से ड्रॉप की तरफ चलते हैं, यहाँ से कुछ मिल जाए। और यहाँ पे तब तो कुछ है नहीं, और मैं यहाँ पे उतर के दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ आगे यहाँ पे क्या हो सकता है। और यहाँ पे मेरे को फुटप्रिंट की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, और रो सिट ये देखिए दोस्तों इसने मेरे को यहाँ पे किल कर दिया। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।